देखो, अगर आपको आता है इस चीज़ का इंटीग्रेशन, वन माइनस वी क्यूब बाय वी प्लस वी, वो वी स्क्वायर, वन माइनस वी स्क्वायर बाय वी प्लस वी क्यूब, तो इसका आपका इंटीग्रेशन आता है। इसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, अगर किसी को मेथड कोई और आता है तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट जो मैं करवा रही हूँ देख लो। देखो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा ये माइंड लगाना है कि अगर हम जो नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम इसको यू पुट करते हैं या टी कुछ भी पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो आपका क्या आता है। मान लो मैंने इसको टी पुट किया, पुट वी प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू टी, तो अगर आप इसे डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस थ्री वी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी वी। अगर इसको भी हम मोर कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, थ्री वी स्क्वायर यहाँ डी वी ले आए हम यहाँ पर और डी टी, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ऊपर आपके पास वी स्क्वायर तो है बट नेगेटिव है और वन है और यहाँ पर, और वन तो है लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, वी स्क्वायर क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए और उसके साथ मल्टीप्लाई चाहिए थ्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको हमें पॉजिटिव बनाना है और क्या चाहिए, थ्री का थ्री वी स्क्वायर बनाना है इसको, तो हम क्या करें यहाँ पे पहले माइनस को जब कन्वर्ट करना है, माइनस को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस थ्री से तो ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री माई प्लस थ्री वी स्क्वायर, और आपको प्लस थ्री वी स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस थ्री से तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा माइनस थ्री से, तो यहाँ लिखोगे आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस थ्री। अब आपने माइनस थ्री से जब डिवाइड किया तो हो गया माइनस वन बाय थ्री, और जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस थ्री प्लस थ्री वी स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका वी प्लस वी क्यूब और डी वी आपका चली गया, ठीक है। अब आपका थ्री वी स्क्वायर तो आ गया, अब आपको वन भी चाहिए। वन के लिए क्या करें, माइनस थ्री को हम कैसे कन्वर्ट करें कि आपका वन आ जाए, तो माइनस थ्री में अगर मैं प्लस फोर कर दूँ तो वन आ जाएगा, और अगर हम प्लस फोर कर रहे हैं, ये चीज़ आपको सोचनी ही पड़ेगी थोड़ी सी, और नहीं सोचनी है तो आप ये वाले प्रैक्टिस कर लो एक दो बार इस वाले मेथड की, क्योंकि एक दी वाले एक दो क्वेश्चन में आ सकता है इस टाइप का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करें, माइनस फोर ऐड कर दो, सॉरी माइनस प्लस फोर और माइनस फोर हम लगा दें, क्योंकि अगर हम प्लस फोर लगा रहे हो तो आपको नलीफाई करने के लिए माइनस फोर भी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस फोर प्लस फोर माइनस थ्री इज प्लस वन, तो आ जाएगा हमारा ये चीज़, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री, थ्री वी स्क्वायर प्लस वन बन गया। इसके नीचे लिख दो वी प्लस वी क्यूब डी वी अलग से, माइनस क्या बच गया, अब हमारे पास ये तीन चीज़ तो हो गई, ये एक चीज़ बच गई अलग से माइनस फोर, ठीक है, माइनस फोर बाय माइनस फोर, और यह हो जाएगा आपका वन बाय वी प्लस वी क्यूब, ठीक है, और ये आपका बाहर वन माइनस वन बाय थ्री भी है। अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है इसका, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाना, पूरे का इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब जब आप क्या करते हो माइनस, अब हम या इस चीज़ को उठा लो आप, या अभी इसको और भी लिख सकते हैं हम, क्या ये माइनस वन बाय थ्री, इसका इंटीग्रेशन थ्री वी स्क्वायर वी प्लस वी क्यूब डी वी प्लस वन है, और माइनस, अब देखो इस माइनस वन बाय थ्री को मल्टीप्लाई करूँगी मैं अंदर तो क्या हो जाएगा, फोर बाय थ्री बाहर लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वी प्लस वी डी वी। अब इसको मान लो ए या कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, मतलब कि इसको आई मान लो, इसको एल मान लो, ठीक है। अब हम पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आई का इंटीग्रेशन, माइनस वन बाई थ्री भी छोड़ दो अभी, आई का इंटीग्रेशन क्या है, आई का मतलब क्या लिया हमने, थ्री वी स्क्वायर प्लस वन वी प्लस वी क्यूब, यानी कि इसका इंटीग्रेशन, अब आप वो डी वी, अब आपको पता है हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर कि यू वाले मेथड से कि वन प्लस थ्री वी स्क्वायर डी वी आया था डी टी, तो वन प्लस थ्री वी स्क्वायर डी वी क्या आया था आपका डी टी, और ये हमने क्या माना था इसको ऊपर टी, तो ये हो गया टी, तो आपका इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली आ गया, जब आप सॉल्व करोगे लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ टी का मतलब लॉग ऑफ टी की वैल्यू कितनी ली थी हमने, वी क्यूब प्लस वी, तो ये तो आपका सॉल्व हो गया, और इसमें भी आप लास्ट में वो वाई और एक्स की वैल्यू पुट करके निकाल दोगे। अब आ जाओ इस वाली चीज़ पे, जो आपका L है, L का इंटीग्रेशन है 1 बाय वी प्लस वी क्यूब, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब देखो इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से, कैसे, मान लो हमने इसको ले लिया 1 वी
वी प्लस वी वो सॉरी वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं वन इज इक्वल्स टू, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ए बाय वी, वन ए के नीचे वी। और जब आप नीचे आपको दिख रहा है, जब मैं आपको एक बार ये वर्षा ने चीज़ भी पूछी थी कि अगर नीचे आपकी स्क्वायर इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको ऊपर लीनियर इक्वेशन लेना पड़ेगा। कैसे है कि मान लो यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ऊपर लोगे बी वी प्लस सी, ठीक है। मान लो अगर आपका एक्स में हो कि अगर आपके नीचे होता वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप ऊपर लेते बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय वन प्लस वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर प्लस वन कर लो क्योंकि पी वी पहले है, तो वी स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब वही चीज़ वन इधर रखा हमने ए के साथ, क्या जब हम डिवाइड वो करेंगे हमारा क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ बी वी प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा वी। अब वैल्यूज निकाल दो, वैल्यू क्या पहले हम क्या पुट करें एक बार वी को कि ए की वैल्यू आ जाए। हमने क्या करा ए वी को पुट कर दिया जीरो, क्योंकि पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, पुट वी इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो पूरी टर्म खत्म, ये हो गया वन इक्वल्स टू ए और ये भी जीरो, जीरो इंटू वन, जीरो प्लस वन वन और ए इंटू वन, तो ए की वैल्यू तो आ गई आपकी वन। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसको, आप कंपेयरिंग कोफिशेंट्स भी कर सकते हो कि वन इज इक्वल्स टू ए वी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी वी। अब कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ वी स्क्वायर मान लो, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको वी स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है ए, और यहाँ पे भी वी स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है बी, इस साइड कोई कोफिशेंट नहीं है तो ये होगा जीरो, और ए की वैल्यू हमने निकाली अभी वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। तो अब देखो सी की वैल्यू निकालनी है आपको, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशियंट्स ऑफ, इसके साथ क्या है वी है तो वी के कोफिशियंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशियंट्स ऑफ वी, अब यहाँ पर वी कोई भी नहीं है तो यहाँ तो हो गया जीरो, यहाँ वी किसके साथ है सी के साथ, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी जीरो, क्योंकि वी यहाँ पर भी नहीं है सिर्फ सी के साथ है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, वी क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये हो गया वन बाय वी, वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए बाय वी, ए कितना आया था वन बाय वी डी वी, प्लस बी वी, बी कितना आया था माइनस वन वी, प्लस सी हो गया आपका जीरो बाय वी स्क्वायर प्लस वन। अब इसका आप कर सकते हो तो हो गया लॉग वी, और इसका हम कैसे कर सकते हैं माइनस साइन बाहर निकाल लूँ, माइनस बाहर तो वी बाय वी स्क्वायर प्लस वन, इसका आप फिर से सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो कि इसे लॉग ऑफ वी, इसका हम कैसे कर सकते हैं कि पुट वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू, अब आपने वहाँ पे ऑलरेडी टी पुट कर चुके हो तो यहाँ इसको कुछ और पुट कर लेना जेड मान लो, तो ये टू वी डी वी इज इक्वल्स टू डी जेड, और वी डी यहाँ डी वी वहाँ वी डी वी आ गया आपका डी जेड बाय टू, यहाँ पुट कर दो माइनस वी डी वी की वैल्यू आ गई डी जेड बाय टू, और ये हो गया आपका सेट, तो लॉग ऑफ वी माइनस वन बाय टू लॉग ऑफ जेड, ये हो गया लॉग ऑफ वी माइनस वन बाय टू लॉग ऑफ जेड, आपने क्या माना था लॉग ऑफ जेड को वी स्क्वायर प्लस वन, ये आपका बस लास्ट में आप वो चीज कर दो वाई और एक्स वाली।